तो अपन को इसकी हैचिंग स्टार्ट करनी है। तो हैचिंग अपन या तो नोज से स्टार्ट करो, लिप से स्टार्ट करो, सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ आईज से। ओके, तो मैंने ले रखी है ये 8B पेंसिल। ठीक है, 8B पेंसिल देखो, नाक हिस्सा का 8B पेंसिल से जो पीपल वाला रीजन है कर दिया मैंने। ओके, फिर इस तरीके से ये जो ऊपर की आउटलाइन डार्क है, ये वाला स्टार्टिंग का डार्क है, पीछे का लाइट है। तो तुम्हें पूरा डार्क नहीं करना है, स्टार्टिंग का डार्क है, बस हल्का सा यहाँ। ठीक है, अब मैंने आईब्रोज की प्रैक्टिस करने बोली थी, आईब्रोज की प्रैक्टिस करी हो तो अच्छे से पता है कि अपन आईब्रोज यहाँ से कर्व करते करते स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सी शेप चल रहा है, यहाँ पीछे एंड में इस तरीके से लंबे हो जाएंगे, ये वाले हिस्से जो रहते हैं वो ऐसे कर्व पीछे की तरफ जाने लगते हैं और ये इधर ज्वाइन होते हैं। ओके, तो एक जिस्ट है इस तरीके से। धीरे धीरे एकदम से मत करना कि ये सी शेप ला, फिर एकदम से हॉरिजॉन्टल कर दिया, वो नहीं करते हैं। अपन को क्या करना, धीरे धीरे करो, ये एकदम से इनकी जो कर्व है, लेंथ है, वो बढ़ती जाती है। थोड़ा गैप छोड़ सकते हो बीच में, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ते अपन। और इस तरीके से अपने आईब्रोज हो गए। यही सेम चीज अपन राइट वाले में करते हैं। ठीक है, थोड़े हल्के से जो शार्प से स्ट्रोक्स हैं वो अपनी मैकेनिकल पेंसिल से भी लगा सकते हो, एक दो ये बीच में। यहाँ पे थोड़े जो इधर उधर फैलते हुए दिख रहे हैं, इसमें देखो, इसमें थोड़े पीछे से आगे की तरफ इधर उधर फैलते हुए दिख रहे हैं, फ्रंट्स में ध्यान दो अपने। यहाँ पे इस तरीके से एक दो, यहाँ एक दो ऐसे ऊपर जा रहे हैं, स्ट्रेट रखना लाइन्स, ये भी एक आध ऊपर जा रहे हैं इस तरीके से। तो ये अपन ने अपने आईब्रो करे, तो ये करो पहले। आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ ध्यान दो अपन आईज पे आते। तो आईज पे देखो, ये वाला हिस्सा यूजुअली डार्क दिख रहा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द रीजन। और इसमें जो अपनी हैचिंग है इस रीजन के अंदर है, अब तुम्हें पेंसिल ऐसे नहीं बनोगे। देखो, तुम्हारी गलती क्योंकि मैं ये लाया, आगे निकल गया, ये ऐसे तुम ऐसे बनाओगे धीरे से इसके ऊपर, वो नहीं चाहता हूँ मैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम एक एक लाइन को ऐसे डार्क तरीके से ड्रॉ करो। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे इसमें है हैचिंग है, तो मैंने क्या बोलता हूँ, एक डायरेक्शन पकड़ो। तुम्हें आई के ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, इसको देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा खाली है, तुम्हें ये एरिया भरना है। तो तुम इस तरीके से थोड़े डिस्टेंस के साथ, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देना है अपन को अपने स्ट्रोक्स के बीच में, लेकिन एक मॉडरेट डिस्टेंस दो और इस डायरेक्शन में चलो। थोड़ा प्रेशर मेंटेन करना, क्योंकि ये अपन को डार्क चाहिए। ठीक है, ये किया। अब ये मैंने एक आउटलाइन बनवाई थी, यहाँ देख सकते हो, तो मैं इसके साथ चलूंगी। डायरेक्शन मैंने ये पकड़ ली। अपन रेफरेंस में ये भी देख सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर भी एक है आ रहा है डिस्टेंस, ऐसे ऐसे हैचिंग जो है इसके परपेंडिकुलर भी आ रही है। ये देखो, हुआ सिंपल तरीके से अपना। ये सेम चीज थोड़े नीचे, यहाँ यहाँ देख सकते हो, यहाँ ऐसे दो तीन स्ट्रोक्स, यहाँ दो तीन स्ट्रोक्स। एक अपन को एक हाईलाइटेड पोर्शन छोड़ना है, मतलब इसके अंदर थोड़ा लाइट पोर्शन छोड़ना है अपन को। ओके, अब जैसे नीचे वाला पोर्शन, तो ये आगे निकल गई लाइन, फिर ऐसे निकल गई, फिर ऐसे निकल गई। हैंड वाले स्केच थे, उसमें मैं ऐसे नहीं बोलता था कि एकदम परफेक्ट लाइन ले जाओ, थोड़ी आगे निकल ली, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं हैचिंग भी सेम तरीके से होती है, तो मैं हैचिंग भी ऐसे होनी चाहिए, जैसे इसमें मैं डायगनली कर रहा हूँ। ठीक है, ये हिस्सा थोड़ा छोड़ा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हाईलाइट की जरूरत है। आईज में भी यही करूंगा, आईज में ऊपर से नीचे जैसे मैंने प्रैक्टिस कराई थी कि डार्क टू लाइट था, तो ऊपर डार्क स्ट्रोक्स लगाओ। ठीक है, नीचे आते आते ये तो मैं स्ट्रोक्स जो है वो लाइट हो जाएंगे, प्रेशर कम हो जाए। इस तरीके से ये अपना आई वाला पोर्शन होता है, करो इतना। अपन ने ये कर लिया, अब अपन को क्या करना, अब अपने लिए है ये वाला एरिया। ठीक है, तो फोरहेड देखो, फोरहेड ये आता है, तो फोरहेड तुम्हारा ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें क्या करना, यहां से ऐसे स्ट्रोक्स लगाना चालू करो, ऊपर जाते आते ऐसे छोटे हो गए। ठीक है, सेम चीज यहाँ ऊपर से लाए स्ट्रोक्स, ऐसे ऊपर से आते आते नीचे हो गए। यहाँ पे स्ट्रोक्स हैं, यहाँ पे लगाना चालू करे, यहाँ पे लगाना चालू करे, ये छोटे हो गए। इस डायरेक्शन में कब थोड़ी एक डायगनल डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रोक्स ले लिए, ऊपर चले गए। ठीक है, यहाँ से ये जो बाल वाले आ रहे हैं, ये बाल वाला जो एरिया है ये जो आ रहे हैं, तो अपन ने यहाँ से ऐसे स्ट्रोक्स लगा जो चेहरे की तरफ आ रहे हैं ऐसे। ठीक है,
थोड़े ये हिस्सा है, ये देखो दो डायरेक्शन में स्ट्रोक्स है अपने, एक इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब देखो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना, और ये थोड़े इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन फोरहेड करते हैं, तो इतना करो। अब अपने पास क्या है, अपने को नोज राइट, नोज और राइट आई पे आना है, तो राइट आई पे देख सकते हो जैसे बाहर की तरफ निकलते हुए स्ट्रोक्स हैं, अंदर डार्क है, ऊपर थोड़े से लाइट है, तो प्रेशर के साथ आना, ये स्ट्रोक है तो जो स्ट्रोक लगा रहे थोड़े प्रेशर के साथ, लाइक ए, ठीक है, इस तरीके से डिस्टिंक्टिव स्ट्रोक्स होने चाहिए, तुम्हें एक एक अच्छे से दिखना चाहिए, और ऐसे छोटे हो गए, ठीक है, थोड़े थोड़े ऐसे रीजन में भी, और ये रीजन की जो आउटलाइन है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये डार्क होनी चाहिए, मैकेनिकल पेंसिल को थोड़ा प्रेशर डालो उस पर, ये रीजन, ठीक है, जैसे नोज है, नोज को भी मैंने डार्क कर लिया, फेयर शेप है, ठीक है, तो मैं ये स्टार्टिंग से नहीं कराता हूँ क्योंकि अपन को एडजस्टमेंट्स बनाने होते हैं, ये फेयर शेप पे मैं डार्क कर सकता हूँ इसे, ठीक है, ये नोज की जो स्टेम आ रही है इसे मैंने डार्क किया, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आईब्रोज के बीच में तो किस तरीके का डायरेक्शन है, थोड़े ऐसे ऊपर जाते हुए, ठीक है, फिर इनके थोड़े परपेंडिकुलर ऐसे, तो इस तरीके से ये हो गया, तो ये आईज और उस आईज और आईब्राउज के बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में करते हुए, लेकिन ये लाइटली है, तुम इस तरीके से करो, तो जहां तुम्हें डार्क दिख रहा है थोड़ा प्रेशर के साथ करो इन एरिया में, जैसे यहाँ जैसे लाइट लाइट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ हल्के हल्के से स्ट्रोक्स लगाओ। तो अब नोज पे ध्यान दो, नोज पे ये वाला जो एरिया है जैसे ये यू शेप, ये हिस्सा थोड़ा छूटा हुआ है, बाकी सब भरा हुआ है, मैंने एक डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ट्राइंगल शेप दिख रहा है, इस तरीके से अपन को छोटे से करते जाना है स्ट्रोक्स, ठीक है, एक डायरेक्शन हो गई, अब एक और डायरेक्शन पकड़ लो इसमें से थोड़े वर्टिकल यहां से लाते हुए आराम से, ये वाले देखो ये थोड़े डायगोनल शेप में है, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहे है? रेफरेंस अगर प्रिंटआउट में क्लियर नहीं हो तो फोन में खोल लो, इस तरीके से अपना ये यहां आते जा रहे है, ठीक है, थोड़े एक आध दो स्ट्रोक्स ऐसे बस यहाँ पे, तो ये अपनी नो टेम होती है। अब बसता है नोज का बेस, तो नोज के बेस में जो पहले नॉस्ट्रल्स हैं इसे अपन अपने 8B से भर देंगे ताकि ये डार्क हो जाए, ठीक है। अब मैंने एक शेप हल्का सा बनवाया ही था स्टार्टिंग में, तो अपन उसे भरते हैं पहले ये वाला, तो इसे एक डायरेक्शन ले लो, लाइक ये डायरेक्शन में आ गए स्ट्रोक्स, फिर ये स्ट्रोक्स जो आ रहे हैं वो इस डायरेक्शन में आएंगे, तो ऐसे ये आ रहे हैं पे, तो इसको थोड़ा ऐसे वर्टिकली ले आया अपन एचिंग में, ठीक है, नीचे नीचे थोड़ा डार्क दिख रहा, तो मैं और डायरेक्शन कर दूं उसमें ताकि थोड़ी हैचिंग ज्यादा दिखे। अब आते हैं इसके ऊपर, नॉस्ट्रल के ऊपर देखो, नॉस्ट्रल के ऊपर इस तरीके से हैचिंग है थोड़ी, कैसे हॉरिजॉन्टल हैचिंग ले लो, ठीक है, इस तरीके से ऊपर आ रही, बस इतना रुक गए क्योंकि मुझे यहाँ पे ये शेप छूटा हुआ चाहिए। अब मुझे आगे इसकी कवरिंग देनी है, तो एक और है डायरेक्शन ऐड करी मैंने इसमें, इस तरीके से करते करते अब देखो डार्क तो हो गया, मुझे जो करना है वो बहुत लाइट, तो पेंसिल और पीछे पकड़ ली मैंने, ठीक है, तो पेंसिल पीछे पकड़ी, इस तरीके से धीरे धीरे ये एरिया मैंने ऐसे फिल करा, तो मेरे को ये छूटा हुआ एक एरिया मिल गया, ठीक है, छूटे हुए एरिया, फिर ये नीचे नीचे के थोड़ी थोड़े से रैंडम से स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं, ठीक है, वो रैंडम स्ट्रोक्स अभी स्टार्टिंग में पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन फ्लो में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये एरिया मुझे खाली लग रहा है, तो मैंने हल्के से स्ट्रोक्स लगा दिए उसमें, तो इस तरीके से मेरी नोज हो जाती है।